ओम नमः शिवाय दोस्त, हर हर महादेव। शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से सरल व अचूक उपाय करती है और गणेश चरित्र अपन श्रवण कर रहे हैं और कल से चतुर्थी लग रही है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहाँ गणेश जी का स्थान है वहाँ पर पांच शमी पत्र पांच समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर तीन शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, पांच शमी पत्र जहाँ गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहाँ समर्पित करें, तीन शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, एक शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में, जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें। दिया जहाँ लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहाँ शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा। केवल गणेश चतुर्थी, गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती। देखो प्रतिष्ठा नहीं कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको पता नहीं, करके देखो एक बार। शिवाय गणेश पुराण का शिव महापुराण का ये प्रसंग जीवन में होता है। गणेश जी का मूल स्थान आपको गणेश जी की मूर्ति पे चढ़ाने का नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वो टेम्परेरी है, विसर्जन कर दिया। पर जहाँ शंकर मंदिर में बैठ गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, वहाँ ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहाँ गणेश जी सदा विराजमान। अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, शिवाय, तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुराण का, शिवाय मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी। ये पत्र गणेश जी की प्रियता है दुर्वा, क्या प्रियता है? दुर्वा। कितनी दुर्वा गणेश जी को समर्पित करी जाती है? मात्र पांच। कितनी? आज के जमाने में लोग गट्ठा बनाकर चढ़ा दें वो अपनी जगह पर है। पांच दुर्वा पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए और भगवान के पांच जो स्वरूप हैं उनको अपने भीतर उतारने के लिए पंच दुर्वा। और दुर्वा में भी तीन गांठ, जब दुर्वा समर्पित करी जाती है तो उसमें नीचे दुर्वा की डंडी पर गांठ रहती है, तीन छोटी छोटी गांठें होना चाहिए। कितनी गांठ? जो भगवान को समर्पित करी जाए। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना न भूले। आज वस्त्र इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें।